किचनरीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लाल लहसुन की सब्जी। मार्केट में लहसुन अलग अलग तरीके के मिलते हैं, उनमें से हम लाए हैं लाल लहसुन। लाल लहसुन हर जगह उपलब्ध नहीं होता, इसलिए जब भी मार्केट में मिल जाता है उसमें से कुछ न कुछ बनाकर उसका मजा उठा लेना चाहिए। लाल लहसुन हार्ट के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। लाल लहसुन कुछ इस तरह से दिखता है। लहसुन की कलियों के आगे के हिस्से को हल्के से प्लेटफॉर्म पर दबाकर उसका छिलका निकाल लेंगे। लहसुन की कलियों को छिलने से पहले आधे घंटे तक हल्की धूप में रखा हुआ है, जिससे लहसुन का छिलका आसानी से निकल जाए। इस तरह से हमने एक कप लहसुन छिलकर तैयार किया है। ये लहसुन छिलने के बाद हल्का सा पतला छिलका लहसुन के ऊपर रह जाता है, जो बाद में फ्राई करते वक्त निकल जाएगा। जब भी लहसुन की सब्जी बनानी हो, फुर्सत के समय में लहसुन को छिलकर तैयार कर ले, जिससे सब्जी बनाने में बहुत ही कम समय लगे। आइए फिर सब्जी बनाना शुरू करते हैं। एक पैन के अंदर तिल के तेल के अंदर लहसुन की कलियों को फ्राई कर लेंगे। लगभग 2-3 मिनट में ही लहसुन की कलियों का कलर बदल जाएगा। लहसुन फ्राई होने की स्ट्रॉन्ग स्मेल भी आ रही है। कलियों के ऊपर रहे पतले छिलके निकलकर अलग हो गए हैं, जिन्हें हम साइड में करके निकाल लेंगे। अब हम लहसुन को एक बाउल में निकालकर साइड में रख लेंगे। अब हम इसी पैन के अंदर बारी बारी करके राई, अजवाइन और जीरा चटकाएंगे और साथ में हींग डालेंगे। अजवाइन और हींग पचने में हेल्प करते हैं और पेट में गैस की तकलीफ नहीं होने देते। अब हमारे जीरा, अजवाइन और राई चटक गए हैं। प्याज डालकर अच्छे से तेल छूटने तक पकाएंगे। प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, ये करीबन 2 मीडियम प्याज है। प्याज को अच्छे से मिलाकर पकने देंगे। बीच बीच में थोड़ा सा मिला लेंगे ताकि सभी प्याज अच्छे से पक जाए। हरी मिर्च, लहसुन और धनिया की पेस्ट डालेंगे। ये पेस्ट मैं 3-4 दिनों के साथ में ही बना लेती हूँ। पेस्ट को तेल में पका लेंगे। 2-3 मिनट बाद बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी तेल छूटने और नरम होने तक पकाएंगे। यहाँ मैंने 2-3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। मैंने जब ये सब्जी बनाई थी तब हरे लहसुन की सीजन चल रही थी, इसलिए थोड़ा सा हरा लहसुन डालेंगे। हरा लहसुन बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर मार्केट में मिल रहा है तो डालें, वरना वैसे ही सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। मसालों में हम हरे धनिया का पाउडर और गरम मसाला डालेंगे। सब्जी काफी ड्राई लग रही है, इसलिए थोड़ा सा तिल का तेल डालेंगे, जिससे मसाले जल न जाए। स्वाद अनुसार नमक और मीठे नीम के पत्तों का पाउडर डालेंगे। हरे धनिया का पाउडर और नीम के पत्तों का पाउडर डालने से सब्जी में काफी डार्क कलर आ जाता है। अगर आप सब्जी का डार्क कलर नहीं चाहते तो इन दोनों पाउडर को स्किप कर सकते हैं। अब हम फ्राई किया हुआ लहसुन डालकर तेल छूटने तक पकाएंगे। थोड़े से फ्राई किए हुए लहसुन हम गार्निशिंग के लिए साइड में रख लेंगे। मसाले अच्छे से मिल गए हैं। आप देख सकते हैं पैन में ग्रेवी में उबाल भी आ रहा है। अब हम लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। हमने गरम मसाला भी डाला है और लहसुन वैसे भी तीखा रहता है, तो मिर्च हिसाब से डालें। सिर्फ तेल छूटने तक लहसुन को मसालों में पकने देंगे और लहसुन की सब्जी तैयार। ऊपर से हरा धनिया डालकर मिला लेंगे और गैस का स्विच बंद कर लेंगे।
मेरे घर के बच्चे बड़े सभी को ये सब्जी बेहद पसंद है। लाल लहसुन की हेल्दी सब्जी को जरूर से ट्राई करें और रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्जी को सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और ऊपर से फ्राई किए हुए लहसुन से गार्निश करेंगे। लाल लहसुन की बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी सब्जी बनकर तैयार है, इसे एक बार जरूर से ट्राई करें। आशा है लाल लहसुन की सब्जी की मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। ऐसी और नई नई रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।